तो हेलो गाइस, चार वीज़ास क्रोशिया के अप्रूव हुए हैं शेंगन में आने के बाद। कौन सी उनकी जॉब थी, कैसे डॉक्यूमेंट्स थे, कौन सी कंपनी थी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर अभी आप लोगों को सबमिशन करना है क्रोशिया का, ठीक है, क्रोशिया पहले के जैसे नहीं रहा क्योंकि अभी शेंगन में आ चुका है, तो अगर अभी आप लोग को शेंगन में या क्रोशिया में सबमिशन करना है तो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए, कैसे सबमिट होंगे, उसके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग का भी क्रोशिया का अप्रूवल यानी वर्क परमिट आ चुका है या प्रोसेस में है या आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना। चार वीज़ास अप्रूव हुए हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को एक दिखाता हूँ, ठीक है। थ्री जो वीज़ास हैं वो अलग हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जो बनाऊँ। वीज़ा था इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी अपॉइंटमेंट है या आपके पास भी वर्क परमिट है, फाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हो, जिससे वीज़ा लगने के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, आपका इंप्रेशन जो है वीज़ा ऑफिसर के सामने वो काफ़ी अच्छा होता है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के टाइम में क्या हुआ है कि वीज़ास जो हैं वो उन्हीं के आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी है या जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि शेंगन में ज्वाइन हो गया है, अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है, उन्हीं को वीज़ा दिया जाए, ये उनका ध्यान दे रहे हैं। और जिनकी भी हल्की सी भी उनको मिस्टेक नज़र आती है, उनका रिफ्यूज़ हो रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हो, जिसमें क्रोशिया के 8 रिफ्यूज़ल आए थे, सिर्फ 3 वीज़ास आए थे। वो बंदे ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था, वो भी नेपाल से था, और ये भी बंदा नेपाल से है जिसका वीज़ा आया है। तो इसीलिए जिसके भी डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे उन्हीं के कुछ चांसेस होंगे वीज़ा आने के, नहीं तो चांसेस पूरे पूरे इजेक्शन के हैं। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये जो बंदे का वीज़ा आया है, इसकी जो जॉब थी ये थी प्लम्बिंग की। वीज़ा मैं आपको शो कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लम्बिंग की जॉब थी। अच्छी बात क्या थी, इनका जो वीज़ा आया वो सिर्फ 24 डेज में आया, ठीक है, 24 डेज में उनका वीज़ा आया। और इनकी जो स्टैम्पिंग हुई थी वो 7 जनवरी 2023 को हुई थी, बट इनका जो वीज़ा स्टार्ट किया गया वो 6 फरवरी 2023 से किया गया था। मेरे पास वीज़ा बहुत पहले से पड़े हुए हैं, बट रीज़न क्या था कि मैं भी बाहर था, अभी आया हूँ, एंड अब वीडियो बनाने का टाइम मिला है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। तो इनका जो स्टार्ट किया गया 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट किया गया है, और इसकी जो वैलिडिटी है सिर्फ वो 30 डेज की। यहाँ पे सिर्फ 30 डेज का एंट्री वीज़ा मिला है, माल्टा की तरह 90 या 91 डेज का, पोलैंड की तरह 65 डेज का नहीं है। 30 डेज का है, ना ही 90 डेज या 91 डेज का, जो कि आप लोगों को पोलैंड में, माल्टा में या बाकी सारी कंट्रीज में मिलता है। पोलैंड में तो आपको नहीं मिलता है, माल्टा में आप लोगों को 90 91 डेज का मिलता है। यहाँ पे आपको अभी भी 30 डेज का ही दे रहे हैं, जो कि सिंगल एंट्री होता है क्रोशिया की हम बात करें। ओके, वीज़ा मैंने आपको शो कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। बाकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे हाइड कर दी हैं। अब ये जो प्रोफाइल थी वो प्लम्बर की थी, इसके अलावा भी 3 वीज़ास हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस बंदे के पास का जो एक्सपीरियंस था, अगर उसकी हम बात करें, तो वो 2.5 से 3 साल का शो किया गया था। आई थिंक 2.5 साल का एक्सपीरियंस शो किया गया था। और अभी के टाइम में ये अच्छी बात है, अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं और उनको लगता है कि हाँ ये बंदा स्किल्ड है या ये बंदा को काम आता है, उसको वो वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि क्रोशिया में सीज़न आप लोगों को पता आ गया है, बट जो स्किल जॉब्स है उनके लिए कोई भी सीज़न नहीं होता है, चाहे वो प्लम्बिंग की है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो टाइलर है, या फिर वो ऐसी चीज़ से रिलेट करते हैं जो आईटीआई की ट्रेड्स में आती हैं। आईटीआई की जितनी भी ट्रेड्स हैं वो स्किल्ड में आती हैं, उससे मैटर नहीं करता है कि आप लोगों का सीज़न है या नहीं है, उसमें 12 महीने ही वीज़ास आते हैं। ओके, तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस। अब इसमें कंपनी से जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वो सिर्फ वर्क परमिट था, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके अलावा आई थिंक इनविटेशन भी था और अकोमोडेशन का प्रूफ था। कई कंपनी से अकोमोडेशन का प्रूफ नहीं शो करती हैं, तो उसके बिहाफ पे आप क्या लगा सकते हो वो आप लोग को मैं पर्सनली बता सकता हूँ। आप लोगों को जस्ट अपनी वर्क परमिट और कंपनी की डिटेल्स भेजना है, तो उसको देख के बता सकता हूँ कि आप लोग को क्या ऐड कर सकते हो अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन नहीं दे रही है। तो फिलहाल इनको दी थी तो इनका वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि वीजा सभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो भाई वीजा सभी आ रहे हैं, बट अभी 90 या 91 डेज का नहीं मिल रहा है, 30 डेज का ही वीजा मिल रहा है, और सिंगल एंट्री ही वीजा मिल रहा है। मोस्टली सिंगल एंट्री ही मिलता है, पोलैंड में आपको मल्टीपल मिलता है बट इसमें आपको सिंगल ही मिलता है, माल्टा में भी आपको सिंगल ही मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करें इंश्योरेंस की, जो कि पहले क्रोशिया में इंश्योरेंस लगता था 1 महीने का 2 महीने का 3 महीने का, जितने का भी लगा दो वो मैटर नहीं करता था, जैसे पोलैंड में 1 साल का, माल्टा में 91 डेज का या उससे ऊपर।
ऐसे ही यहाँ पे 1 से 2 या 2.5 महीने 3 महीने में, यानी बहुत फाइलिंग करी, बहुत वीजा है। हमारे क्रोशिया का जो सक्सेस रेट है वो 100% रहा है वीजा का, तो वीजा सारे आए हैं। ओके एंड इसमें जो अभी भी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, प्लस ये शेनगन में आया है तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आप लोग को देखने को मिलेगी अभी। तो जो लोग पहले डमी टिकट यूज करते थे, मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी आप डमी मत यूज करें, आप रिजर्व वाली जो आती है वो यूज कर सकते हैं। ओके अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आप कैसे डमी ले सकते हैं, कैसे रिजर्व ले सकते हैं, और कैसे जो ओरिजिनल पीएनआर वाली होती है वो ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में पार्टिकुलरली बात करूंगी जो वीजा है इसके क्या डॉक्यूमेंट्स थे उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी, तो कंपनी भी मैटर करती है, चाहे पोलैंड है, चाहे क्रोशिया है, चाहे माल्टा है। अगर वो कंपनी जिसकी वहां पे वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, जिसके बंदे वहां पे जाके इधर उधर भाग जाते हैं, जैसे हम पोलैंड की बात करें, माल्टा की बात करें, बंदे पुर्तगाल चले जाते हैं या फ्रांस चले जाते हैं, जर्मन चले जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके फिलहाल क्रोशिया में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रोशिया में बंदे जाके इधर उधर गए, बट जॉब चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेट अभी तक अच्छा है। बट जैसे ही शेंगेन में ज्वाइन होगा, लोग ये हरकतें करना स्टार्ट कर देंगे, इधर उधर भागेंगे, पुर्तगाल भागेगा, कोई जर्मन भागेगा, कोई फ्रांस भागेगा, कोई माल्टा भागेगा, तो सक्सेस रेट फिर से डाउन जाएगा और अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम आप लोगों को आगे देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। अभी ये चीज नहीं है, बट दिक्कत आप लोगों को अभी से ही फेस करनी पड़ रही होगी, जो कि पहले 15 से 20 दिन बाद की मिलती थी, अब वो आप लोग को 1 से 1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट डेट मिल रही है। बट अभी की हम बात करें तो मिल रही है, जिनके पास ये अप्रूवल है वो अपॉइंटमेंट डेट बुक करके रख सकते हैं, क्योंकि बाद में नहीं पता है कि आप लोग को डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर आप लोग को एजेंट से 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार में अपॉइंटमेंट डेट लेनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल प्राइस 1,000-2,000 आप लोग इतना ज्यादा दोगे, जो कि भी पोलैंड का लोग कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो, और 3 जो अलग वीजा है उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, कुछ भी आप लोग हेल्प चाहिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा जो भी मेरे से हो सकेगा। एंड कॉल्स पॉसिबल नहीं होता है कि सबकी एक साथ उठाई जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई देने का एंड सबकी कॉल्स पिक करने का। बाकी अगर आप कॉल पिक नहीं हो पाती है आपकी, तो आप मैसेज कर दिया करो और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग का मैसेज का रिप्लाई किया जाए। आगे मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।